माइटोकॉन्ड्रिया, नाउ वी टॉक्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया आर कंड्रियोसोम्स, इसको हम कंड्रियोसोम्स भी कहते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम नाउ स्टडी, लेट स्टडी इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, किस तरह होता है, कहाँ पर पाया जाता है, कैसे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये छोटे छोटे गोल या प्लेटनुमा अजसाम होते हैं। ये क्या होता है, छोटे छोटे गोल, यानी कि इस तरह मतलब गोल, और क्या होता है, या प्लेटनुमा अजसाम होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, बास खुलियों में, यानी कि बास सेल में। ये क्या होता है, डंडी नुमा, यानी कि बास खुलियों में ये जो होता है, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, और डंडी नुमा दागा नुमा भी होते हैं। इनकी तादाद क्या होती है, डिफरेंस होती है, इनकी तादाद जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, और एक दूसरे से क्या होती है, सेपरेट होती है, एक दूसरे से अलग कस्म के, एक दूसरे से अलग अलहिदा, और क्या होते हैं वो होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मादर से नई नस्ल में मुंतकिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मादर से क्या होता है, नई सेल में क्या होता है, मुंतकिल होता है, नई सेल में कन्वर्ट होता है। क्या चीज़ कन्वर्ट होता है नई सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया मादर से, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया मादर से नई सेल में, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने पुराने सेल से, इसको हम मादर सेल के नाम से जानते हैं, पुराने सेल से क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं, क्योंकि ये अंडे ईक में होते हैं और स्पर्म में मौजूद नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इसका अपना डीएनए होता है, जो इसके प्रोटीन हिस्से को बनाने में, प्रोटीन हिस्से को यानी कि मेक करने में, इसको बनाने में मदद करता है। हर माइटोकॉन्ड्रिया तकरीबन क्या होता है, हर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है, हर माइटोकॉन्ड्रिया तकरीबन 250 मिलीमीटर यानी कि डायमीटर होता है। क्या आपको पता है कि इसका डायमीटर कितना होता है, किस चीज़ का डायमीटर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो इसका डायमीटर 205 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, ये तीन हिस्सों में क्या होता है, मुश्तमिल होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इस कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। क्या आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका कितने यानी कि हिस्से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो इसका तीन हिस्से होते हैं, यानी कि फूली, अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें माइटोकॉन्ड्रिया के जो हिस्सों के बारे में, यानी कि हम मालूम इसके पार्ट्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, और उसके थ्री पार्ट, एक क्या है बैरूनी झिल्ली, दूसरा क्या है अंदरूनी झिल्ली, तीसरा क्या है अंदरूनी हिस्सा मैट्रिक्स, पैरा क्या है अंदरूनी यानी कि बैरूनी एक्सटर्नल यानी कि जो झिल्ली होती है, दूसरा जो है इंटरनल जो झिल्ली होती है, ये क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का एक हिस्सा होता है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है इसका क्या होता है, इसका अंदरूनी हिस्सा यानी कि मैट्रिक्स भी इसको हम कहलाते हैं, यानी कि अंदरूनी मैट्रिक्स, इसका जो क्या होता है अंदरूनी हिस्सा मैट्रिक्स, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसका जो अंदरूनी हिस्सा है तो होता है, इसको हम क्या कहलाते हैं, और मैट्रिक्स के नाम से उसको हम जानते हैं, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्सा को, यानी कि ये तीन हिस्सों में मुश्तमिल होता है, और यानी कि इट्स कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, मतलब सिंपली सिंपलिसिटी में अगर बात करें तो ये तीन हिस्सों पर, इस एक होता है बैरूनी झिल्ली, दूसरा होता है अंदरूनी झिल्ली, तीसरा होता है अंदरूनी हिस्सा यानी कि इंटरनल पार्ट, मैट्रिक्स भी मतलब उसको हम कहलाते हैं। और नाउ वी टॉक्स अबाउट सेपरेटली अबाउट दीस ऑल पार्ट्स, यानी कि इन जो ये जो इसके हिस्से होते हैं तीन, अंदरूनी बैरूनी, इनके बारे में हम अलग से अभी बात करेंगे। बैरूनी झिल्ली क्या होती है, ये हमवार होती है और प्रोटीन और लिपिड्स पर मुश्तमिल होती है। अंदरूनी झिल्ली जो होता है ये झिल्ली यानी कि लच्छेदार यानी कि शिकिल में मुड़ी होती है, इनमें अजसाम को क्या होता है क्रिस्टे यानी कि क्रिस्टी क्या कहती है, इन क्रिस्टी पर क्या होती है एंजाइम, और को एंजाइम होते हैं जो मुख्तलिफ मरकबात, मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड मरकबात क्या करती है, तकसीद करती है, और ये मरकबात CO2 और H2O में तब्दील हो जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं, इस अमल में क्या होता है एनर्जी यानी कि ATP मरकबात की शक्ल में खारिज होती है।
ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में जमा रहती है और अंदरूनी जली जो है मैट्रिक्स कहलाता है, ये दानेदार माए पर मुश्तमिल होता है। इनमें कई ऑर्गेनिक यानी कि क्या होता है और कई ऑर्गेनिक इस पर इस मरकबात में यानी कंपाउंड में मौजूद होते हैं और डीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐसे मरकबात ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एनर्जी मौजूद होती है। ये एनर्जी मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होती है और इसका फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया अमल तनफ्फुस यानी कि फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि हमारे तनफ्फुस के ऐसे एंजाइम पैदा करते हैं जो अज़ा से एनर्जी निकालने का काम करते हैं। इसलिए इनको यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको हम इसके नाम से जानते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम अबाउट गल्जी एपरेटस और डिक्टियोसोम।